मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड अंतर्गत सोनबरसा पंचायत के मुखिया गुलाम द्वारा सोनबरसा कब्रिस्तान में वृक्षारोपण का कार्य मनरेगा के तहत कब्रिस्तान परिसर में लगभग 400 पेड़ों को लगाया गया। वहीं मुखिया गुलाम रसूल ने कहा कि जब से दुनिया शुरू हुई है तभी से इंसान और कुदरत के बीच गहरा रिश्ता रहा है। पेड़ों से पेट भरने के लिए फल सब्जियां और अनाज मिली, तन ढकने के लिए कपड़ा मिला, घर के लिए लकड़ी मिली, इनसे जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी मिलती है जिसके बिना कोई एक पल भी जिंदा नहीं रख सकता। इनसे औषधियां मिलती हैं। पेड़ इंसान की जरूरत है, उसके जीवन का आधार है। अमूमन सभी मजहबों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। भारतीय समाज में आदिकाल से ही पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है। पीपल विष्णु और कृष्ण का वृक्ष विष्णु और कुबेर को माना जाता है, जबकि तुलसी का पौधा लक्ष्मी और विष्णु, सोम चंद्रमा का, बेल शिव का, अशोक इंद्र का, आम लक्ष्मी का, शीतला और मनसा का, नीम, पलाश ब्रह्मा गंधर्व का, तमाल कृष्ण का माना जाता है। इसके अलावा अनेक पौधे हैं जो पूजा पाठ में काम आते हैं, जिन्हें महुआ और सेमल आदि शामिल हैं। मुजफ्फरपुर से मोहम्मद आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम मनरेगा के तहत ये कब्रिस्तान परिसर में आज दोनों समुदाय के लोग मिल के लगा रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ सभी लोग यहाँ इसको अच्छा मान रहे हैं। और ये प्राकृतिक रूप से भी हम लोगों के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य है, जिसको सब लोगों ने अपनी सहभागिता के साथ ये पेड़ लगाया जा रहा है। लगभग कितना पेड़ मैंने लगाया जा रहा है? अभी 400 पेड़ हमारे यहाँ इशू हुआ है जो लगाया जा रहा है। क्या पढ़ते हुए? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रसूल, ग्राम पंचायत राज सोनबरसा मुखिया।